दोस्तों सुपरनोवा तो स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी काफी सारे लोग जिसमें पार्टिसिपेट किए उनको जो प्रॉब्लम हो रही है वो हो रही है वोटिंग की। कहाँ से हमको वोट मिले, कहाँ से गाइज हम जो है वोट को रिसीव कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास में एक से ज्यादा आईडीज हैं तो भी उन आईडीज का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब आप चेक इन करने जाते हैं, वोट को कलेक्ट करने जाते हैं, तो यहाँ पे गाइस जो आपका वोट है वो कलेक्ट नहीं होता। वहां पे लिख के आ जाता है कि ऑलरेडी आप इस डिवाइस से जो है वोट कलेक्ट कर चुके हैं। जैसा कि गाइस यहाँ पे मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है जब हम वोट को कलेक्ट करने जाते हैं। तो गेट मोर वोट्स पे जाएंगे गाइस, तो यहाँ पे जैसे ही रिसीव पे क्लिक करेंगे तो लिख के आ जाएगा कि गाइस यहाँ पे देख सकते हैं अनदर अकाउंट जो है इस डिवाइस पे जो है वोट जो है रिसीव कर चुका है, क्योंकि गाइस मैंने अपनी मेन आईडी से वोटिंग को यहाँ पे मतलब वोट को यहाँ पे रिसीव कर लिया था। तो अभी मैं अपनी दूसरी आईडी पे जो है लॉगिन करके करना चाहता हूँ तो नहीं हो पा रहा है। और आप लोगों को पता होगा कि अगर आप क्लोन भी बना के करते हैं तो वहाँ पे रिस्की डिवाइस या रिस्की अकाउंट करके आ जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूं, बस आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है। अगर वीडियो आप में वर्क करती है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दे। और गाइस इस ट्रिक को यूज करके आप जो है वोट को कलेक्ट कर सकते हैं अपनी किसी भी आईडी पे। बस आप ध्यान रखें कि आपकी आईडी मल्टी नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी आईडी मल्टी हो चुकी है, आपके पास में आईडी नहीं है, तो आप नई आईडी क्रिएट कर लीजिए। लेकिन अगर आपकी आईडी मल्टी है उससे आप करेंगे तो आपका मल्टी ही आएगा। मल्टी अकाउंट से आप कभी भी वोट को रिसीव नहीं कर पाएंगे, तो आपको यहाँ पे फ्रेश आईडी चाहिए होगी, या तो आपके पास में कोई ऐसी आईडी हो जो मल्टी ना हुई हो। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे रिसीव करेंगे, इसके लिए आपको स्टॉमिकल लाइट का ओल्ड वर्जन चाहिए। बहुत ज्यादा ओल्ड ये नहीं है, इसमें आपको लेटेस्ट वर्जन के सारे फीचर्स लगभग मिल जाते हैं, बस आपको वही डीपी वगैरह जो नया आया है वो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो वर्जन है गाइज 8.25.4 है, और ये वर्जन काफी ज्यादा अच्छा है गाइज। इसमें आपको आप चाहे तो आईडीज बना भी सकते हैं, आपको कोई भी रिस्की डिवाइस वगैरह का इश्यू जो है देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको ये यूज करना है, और दूसरा यहाँ पे क्लोन ऐप का लेटेस्ट वर्जन आपको यूज करना है। अगर आपके पास में लाइफ टाइम वीआईपी वाला क्लोन है उसको आप डिलीट कर दीजिएगा। ये वाला क्लोन जो है गाइज आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे गाइज मैं ये वाला किस लिए बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ गाइज क्योंकि यहाँ पे आपको एंड्रॉयड 14 का भी सपोर्ट मिल जाता है। अगर आपका एंड्रॉयड 12 या 13 है तो आपको आप लाइफ टाइम वीआईपी वाला भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे गाइज जो है ये एंड्रॉयड 14 वाला क्लोन है लेटेस्ट जो है। आपको यहाँ पे सिंपली चॉइस ओएस पे आना है और यहाँ पे 3.4.8 वाला चॉइस ओएस आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर ये नहीं दिख रहा है तो आपको मोर के ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। लाइफ टाइम वीआईपी वाले में ये वाला चॉइस ओएस नहीं दिखेगा और ये एंड्रॉयड 14 को सपोर्ट करता है। तो अब गाइज आप बोलेंगे कि भाई मल्टीपल आईडी कैसे बनाएंगे, कैसे वोट रिसीव करेंगे, वो भी तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो अब आपको यहाँ पे चॉइस ओएस सबसे पहले लगा लेना है 3.4.8 वाला। इसके बाद में डिवाइस प्राइवेसी पे जाना है, ब्रांड एंड मॉडल को सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे ब्रांड एंड मॉडल को गाइज आपको रैंडम पे लगा के जो है टर्न ऑन कर लेना है। जैसे गाइज आप इतना कर लेंगे उसके बाद में यहाँ पे सिंपल सा ओपन अ न्यू एंटिटी विथ वन क्लिक पे ऑन कर देना है और यहाँ पे क्लोन आपको बना लेना है। जैसे गाइज क्लोन बनाएंगे तो इस क्लोन पे आप चाहे तो आईडी नई भी बना सकते हैं, चाहे तो आप पुरानी आईडी को भी लॉगिन कर सकते हैं। आईडी आप फेसबुक से, गूगल से, जो भी अकाउंट आपके पास में हो सबसे आप बना सकते हैं, आपकी आईडी बन जाएगी। ठीक है, आईडी बनाना मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा क्योंकि यहाँ पे केवल और केवल मैं आपको वोट को रिसीव करना और जो है यहाँ पे रिस्की डिवाइस वाला इश्यू को फिक्स करना बता रहा हूँ। अब गाइस जैसे ही आपकी आईडी बन जाती है आपको क्या करना है, सिंपल से उस आईडी को इस क्लोन में ओपन कर लेना है और जो है गाइस आपको वोट को रिसीव करना है, आपका सारा वोटिंग जो है वहां से रिसीव हो जाएगा। अब गाइस बताती है कि एक से ज्यादा आईडी कैसे बनाएंगे, तो आप यहां पे जैसे ही एक आईडी रिसीव कर ले तो आपको ये वाला क्लोन जो है डिलीट कर देना है, फिर आपको नया क्लोन बना लेना है। क्योंकि अगर आपके पास में वीआईपी नहीं है तो एक बार में एक ही क्लोन आप इससे बना सकते हैं। तो आपको एक बार जैसे एक आईडी से आप रिसीव कर लें, दोबारा से आप नई आईडी बना लें। अब ये दोनों आपको क्लोन ऐप और जो ये स्टॉमिकल लाइट का वर्जन है आपको कहां से मिलेगा, तो आपको मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आना है, मेरे बायो में आना है, और यहां पे गाइस आपको एक लिंक मिल जाएगा वन मोर करके। आपको सिंपल सा वन मोर लिंक पे जाना है और यहीं से मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आपको ज्वाइन कर लेना है। वहीं पे गाइस आपको स्टॉमिकल लाइट का ओल्ड वाला वर्जन मिल जाएगा और क्लोन ऐप का लेटेस्ट वर्जन भी आपको यहीं से मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। और इसके बाद में गाइस आप वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं और एक एक क्लोन बना करके, एक क्लोन बनाइए उस पर आप वोट को रिसीव करिए, क्लोन को डिलीट करिए, दोबारा से नया क्लोन बना लीजिए, उस पर भी आप जो है नई आईडी लॉगिन कर लीजिए। बार बार आपको क्लोन डिलीट करना है, नया क्लोन बनाना है। अगर आपके पास में वीआईपी है तो एक से ज्यादा भी क्लोन आप बना सकते हैं, नहीं है तो एक बार में एक ही क्लोन बनेगा। और एक एक क्लोन बना बना के आप जो है कई सारी आईडीज को लॉगिन करके आप जो है वोट को रिसीव कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दें, मिलते किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में कमाल की वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।